हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, मैं आज आप लोग को अपोजिट अल्फ़ाबेट का वैल्यू बताने वाला हूँ। किसका अपोजिट क्या होगा, और जैसे ए का अपोजिट जेड होगा और जेड का अपोजिट ए होगा। दिक्कत यहाँ आती है जब किसी को पूछ लिया जाता है कि ई का अपोजिट क्या होगा और जैसे के का अपोजिट क्या होगा। तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि ए से बी से सी डी ई एफ जी एच आई से लेकर जेड तक लिख देते हैं, और ए से ऐसे लिख करके देखने लगते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाती है और अक्सर एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, जिसकी वजह से हम और सब क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, मैं आज आप लोग के लिए एक आसान तरीका लाया हूँ, एक नहीं दो आसान तरीका लाया हूँ, और मैं वो दोनों आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट मैं उससे आसान तरीका बताता हूँ, जो इससे आसान तरीका बताता हूँ, और मैं जो लास्ट में जो बताऊँगा वो सबसे आसान तरीका होगा। जी हाँ, आइए मैं आसान तरीका बताने वाला। फर्स्ट आसान तरीका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसे लिख देंगे, और फिर एन, ये हमारा 13 पोजीशन पर आता है और ये हमारा 14 पोजीशन पर आता है। यहाँ से हम रिटर्न बैक मारते हैं, एन ओ पी क्यू आर एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जेड हमारा 26 पोजीशन पर आता है और ये हमारा 1 पोजीशन पर आता है। तो देखते हैं इसका ए का अपोजिट जेड होता है, तो आज इसको याद कैसे करेंगे, आज आज इस फिगर को याद रखिएगा, आज आज। जैसे बी का अपोजिट वाई होता है तो बॉय, बी का अपोजिट बॉय, इसे याद करेंगे बॉय के थ्रू। सी का अपोजिट एक्स होता है तो क्रक्स, क्रक्स के थ्रू हम याद करेंगे कि सी का अपोजिट एक्स होता है। ड्राइंग, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, हम ड्रो डी डी से याद करेंगे कि डी का अपोजिट ड्राइंग से याद करेंगे कि डी का अपोजिट ड्राइंग होता है, डब्ल्यू होता है। ई का अपोजिट भी होता है, किससे याद करेंगे, इवनिंग इवनिंग। एफ का अपोजिट यू होता है, किससे याद करेंगे, फ्यूल। जी का अपोजिट टी होता है, किससे याद करेंगे, जी टी रोड। जी टी रोड हम लोग तो जानते हैं सब, जी टी रोड से हम लोग याद कर सकते हैं। एच का अपोजिट एस होता है, किससे याद करेंगे, हाई स्कूल, हायर स्कूल होता है ना। तो आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के थ्रू हम लोग याद करेंगे कि आई का अपोजिट यार होता है। तो जे का अपोजिट क्यू, जैक क्वीन। के का अपोजिट पी होता है, कप, कप से याद कर सकेंगे करेंगे, जो कप होता है चाय पीने वाला जो कप होता है उससे हम लोग याद करेंगे कि के का अपोजिट पी होता है। लव, लव, लव का अपोजिट एल का अपोजिट ओ होता है, लव के थ्रू हम लोग याद करेंगे कि एल का अपोजिट ओ होता है। और ये तो आपको याद करना, मन, मन जो होता है ना दिमाग, मन, उससे हम लोग एम का अपोजिट एन होता है। आइए मैं आप लोग को जो सबसे लास्ट तरीका जो बोला था कि मैं सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, मैं उसको उसे बताने जा रहा हूँ। उसे 27 रूल हमने दिया है नाम, 27 रूल, 27 रूल के नाम से मैं उसे बताने वाला हूँ। क्या है कि ई का पोजीशन वैल्यू क्या है, 5 है। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि 27 को घटा दूँगा, 27 में घटा दूँगा 5, तो कितना आएगा हमारा, 22 आएगा। और 22 का पोजीशन वैल्यू क्या है, किसका पोजीशन वैल्यू है, भी का है। तो 22 पोजीशन वैल्यू है भी का, तो 5 का अपोजिट भी, और ई का अपोजिट क्या होगा, भी होगा। देख सकते हैं इसका अपोजिट इसके 5, ई का पोजीशन वैल्यू 5 है और भी का अपोजिट पोजीशन वैल्यू 22 है। तो ये इसका अपोजिट कैसे हम देखेंगे, चलिए हम चेक करते हैं ई का अपोजिट भी होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि ई का अपोजिट यहाँ क्या भी है, तो हमारा ये करेक्ट हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम जी का पोजिशन वैल्यू क्या है, 7 है, इसको 27 में हम घटा देंगे, 27 में घटा देंगे तो हमारा क्या होगा कि 27 में हम घटा देंगे 7 तो क्या आएगा, 20 आएगा। और 20 किसका पोजीशन वैल्यू है, टी का है, तो टी का 20 जो पोजीशन वैल्यू है टी का है, तो जी का हम जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आइए हम चेक करते हैं जी का अपोजिट टी, देखिए हाँ जी का अपोजिट टी है। तो हमको यही याद करना है कि द सम ऑफ अपोजिट 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 पोजिशन वैल्यू इजिकल टू 27। हमेशा हमको याद रखना है कि द सम ऑफ अपोजिट अपोजिट पोजिशन का जो वैल्यू होता है उसको ऐड करेंगे तो 27 आएगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, और सो थैंक्स।